नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और एक अच्छी खबर आई है आज उन कैंडिडेट के लिए जो ट्वेल्थ पास हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। UPSSSC ने लेखपाल के 6000 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगस्त के एंड तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है राजस्व विभाग में, राजस्व लेखपाल की, और इनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे ही एक एग्जाम होगा और एग्जाम के बेस पर ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप एग्जाम फाइट कर जाते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और साथ ही जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो जनरल में अप्लाई करके ये भर्ती देख सकते हैं। तो आज हम आपको इस न्यूज के बारे में बताने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही खबर आई है आज के अमर उजाला अखबार में, जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, और वहां से खबर आई है कि लेखपाल के 6000 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेखपाल के 6000 पोस्ट है, इसको पटवारी भी कहते हैं, तो पटवारी की 6000 वैकेंसी है, और इसके लिए अध्याचन भेजने के लिए चेयरमैन प्रवीर कुमार ने, जो राजस्व परिषद के चेयरमैन है, उन्होंने प्रस्ताव तैयार करा के अधीन सेवा चयन आयोग को भेजने का निर्देश दे दिया है। इस बार जो भर्ती होगी वो होगी बिना इंटरव्यू के। पहले जो भर्ती होती थी पटवारी की वो इंटरव्यू से होती थी, लेकिन इस बार इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त होने के बाद, यानी इंटरव्यू समाप्त होने के बाद लेखपालों की पहली भर्ती है। इससे पहले कोई भी भर्ती नहीं आई है, जब से इंटरव्यू समाप्त किए हैं गवर्नमेंट ने कोई भी भर्ती नहीं आई है, तो ये पहली भर्ती है। इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जाम के थ्रू होगा। पहले रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, और ये आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में फेवर किया गया है, लेकिन अब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को हटा दिया गया है, अब सिर्फ होगा एग्जाम। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसमें कहा था कि जो भी खाली पद हैं उनको भर दिया जाए। इसके बाद जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं प्रवीर कुमार, उन्होंने प्रस्ताव बनाने के लिए कह दिया है, और ये प्रस्ताव अधीन सेवा चयन आयोग को यानी UPSSSC को भेजने का निर्देश दे दिया है। जल्दी ही ये प्रस्ताव UPSSC के पास जाएगा और आपका विज्ञापन आ जाएगा। ये जो वैकेंसी आएंगी ये आएंगी 6000, और इसमें यूपी के निवासी तो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे ही, साथ ही जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, यूपी के निवासी नहीं हैं, आप किसी भी राज्य के हों, आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम देना है, और आप अगर एग्जाम में फाइट कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।